हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे अब किचन निषेचन की क्रिया देखेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो निषेचन हमने देख लिया कि हमारा शुक्राणु बन के तैयार है और इधर अंडाणु बन के तैयार है। अब निषेचन की क्रिया कब होगी, जब क्या होगा कि इस डिंब वाहिनी के अंदर एक आपका स्पेसिफिक जगह होता है जिसे हम लोग कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं जिसे? एम्पुला। एम्पुला एक स्पेसिफिक जगह है, उस एम्पुला के पास जाने के बाद ही निषेचन की क्रिया होती है। जैसे ये देखिए, ये हो गया आपकी डिंब वाहिनी, ये इनके आपका झालर वाला पार्ट है, ठीक है। मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, सिर्फ नॉर्मल आपका साइड स्ट्रक्चर बना रहा है। ये हमारा अंडाणु यहाँ पे वेट कर रहा है, अंडाणु वेट कर रहा है यहाँ पे। याद रखिएगा कि अंडाणु 1 मंथ में 28 दिन में जो परिपक्व अंडाणु है सिर्फ एक ही निकलता है। 1 मंथ में जो परिपक्व अंडाणु होंगे सिर्फ एक ही निकलेगा, ठीक है। तो यह अंडाणु आपका एक यहाँ पे निकल के वेट कर रहा होता है, और बाहर से आने वाले आपके कौन है? बाहर से आने वाला है आपका शुक्राणु। शुक्राणु क्या होता है कि शुक्राणु पहले कहाँ पहुंचता है? योनि के पास। योनि के पास आपको बताया था कि योनि से कनेक्टेड हिस्सा होता है गर्भाशय का। किधर बनाया फोटो? चलिए यहां पे बनाते हैं। देखिए, ठीक है, ये आपका योनि क्षेत्र है और ये हमारा क्या आज कौन सा क्षेत्र है? गर्भाशय वाला क्षेत्र है। ये योनि वाला क्षेत्र और ये गर्भाशय वाला क्षेत्र। अब योनि से क्या होगा, ये प्रवेश करेगा अंदर। योनि से जब अंदर प्रवेश करेगा शुक्राणु तो कहाँ जाएगा? सीधी सी बात है, गर्भाशय में जाएगा। गर्भाशय के अंदर आ गया। अब क्या होता है कि ये शुक्राणु के अंदर खासियत होती है कि अकेले नहीं जाता, ये लड़ाई करने के लिए क्या जाता है? ग्रुप में जाता है एकदम, मतलब ग्रुप करके, मीटिंग करके, पूरी एकदम टीम बना के जाता है। सीधे शब्दों में कहे कि पूरी टीम के साथ लेकर लड़ाई करने पे जाता है, एकदम जंग छेड़ने के निषेचन की क्रिया में। यह पूरी लड़ाई के लिए, आपका जंग करने के लिए योनि से गर्भाशय में पहुंचता है। अब गर्भाशय में पहुंचने के बाद गर्भाशय से कनेक्टेड क्या होता है हमारा? ये वाला हिस्सा होता है जो एम्पुला वाला हिस्सा है। किसका एम्पुला? किसका हिस्सा है? तो एम्पुला हमारा डिंब वाहिनी का हिस्सा है। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है सीधा क्वेश्चन कि बताइए कि निषेचन की क्रिया होती क्या है। आप जनरली बच्चे जानते हैं कि आपका क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, अर्थात डिंब वाहिनी में होता है, जिसे इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में डिंब वाहिनी ना दिया हो, एम्पुला दिया हो, तब क्या कीजिएगा? तो उस स्पेसिफिक जगह को इसलिए कहा जाता है कि जनरली क्या है, इनके बीच में जो छोटी छोटी बातें आती है ना, उन्हें जानना, उन्हें संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, एम्पुला वाले क्षेत्र में निषेचन होता है। अब यहाँ पे हमारा योनि के पास क्या पहुंचा है? शुक्राणु पहुंचा है, या शुक्राणु यहाँ पे पहुंचा है, शुक्र, ठीक है, शुक्राणु। अब क्या हो गया कि अंदर प्रवेश करके गर्भाशय में पहुंचा, गर्भाशय से निकल के आपका कहाँ पहुंच रहा है? अब ये पहुंच रहा है डिंब वाहिनी में, डिंब वाहिनी में प्रवेश करके यहां तक पहुंचा, ठीक है। अब क्या होता है कि अंडाशय के अंदर जब ये सॉरी डिंब वाहिनी के अंदर चला गया, तब इसे अंडाणु से मिलना है। किससे मिलना है जी? अंडाणु से मिलना है। अंडाणु क्या होते हैं कि अंडाणु भी पूरा अपना तैयारी में रहता है कि दो चार कोवर से जोड़कर अपने आप को क्या कह रहता है, बिल्कुल कोवर्ड किए रखता है कि भाई हमारे से मिलना अलाउ नहीं है, हमसे आप नहीं मिल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे हम। ये बेचारे अंडाणु इतनी दूरी पर, और इधर बेचारा आके वेट कर रहा है कौन? शुक्राणु। अंडाणु के ऊपर दो तीन दीवारें होती हैं, जिन दीवारों को अब तोड़ना है। तो ये क्या करता है कि शुक्राणु भी पूरे ग्रुप के साथ जाता है, एक बार में हजारों की संख्या में जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जब शुक्राणु प्रवेश करता है तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर निषेचन क्रिया के लिए आपका लगभग क्या होता है, बॉडी के अंदर योनि में जब जाएगा तो शुक्राणु अकेला थोड़े ना जाता है, 3 से 4 ml इसके अंदर वीर्य जाते हैं, 3 से 4 ml वीर्य जाते हैं।
और 3 से 4 ml में लगभग 6% यहाँ पर क्या रहते हैं, शुक्राणु रहते हैं। और उस 6% में समझिए, ध्यान से समझिएगा कि 3 से 4 ml वीर्य जाएगा और 3 से 4 ml वीर्य के अंदर 6% आपका शुक्राणु, और इस 6% में जो शुक्राणु होंगे इनकी जो संख्या होगी लगभग 80 से 90 मिलियन होगी। कितनी होगी? 80 से 90 मिलियन होगी। एक बार में अटैक बोलने के लिए गया शुक्राणु तो 80 से 90 मिलियन की संख्या में गया हुआ है, ठीक है। अब 80 से 90 मिलियन जाने के लिए तो चल गया, वही वाला हाल है अभिमन्यु वाला, जाने के लिए तो उनके पीछे लड़ाई में सभी चले गए कि चलो भाई तुमसे नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो हम है पीछे से, जाने के लिए लड़ाई में तो सभी चला गया, लेकिन लास्ट में लड़ाई तो अभिमन्यु को अकेले करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार शुक्राणु भी पूरी एकदम टीम बना के जा रहा है, पीछे वाले पूरी सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो हम तुम्हारे साथ है, लेकिन जैसे ये गर्भाशय क्रॉस करता है ना, बेचारे पीछे वाले 80-90 मिलियन जो होते हैं वो तो बाहर ही हवा हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। अंदर तो सिर्फ प्रवेश करता है, सिर्फ एक सिंगल आपका जो अभिमन्यु है, सिंगल अभिमन्यु का मतलब क्या, सिंगल जो शुक्राणु है सिर्फ यही अंदर प्रवेश करता है, बाकी तो बाहर ही रह जाता है। अब क्या होता है कि ध्यान से रख देखिएगा कि जब अभिमन्यु प्रवेश किया है तो कंफर्म है कि अपना औजार लेके जाएगा, वो अपना हथियार लेके जाएगा, लड़ना है भाई। तो उस कंडीशन में अभिमन्यु जानता है कि उसका पीछे वाला सपोर्ट करे चाहे ना करे, लेकिन उसका अपना हथियार रहेगा तो लड़ सकता है। तो ये अपने पास 3 तरह का हथियार लेके जाता है, ठीक है, ये अपने पास 3 तरह के हथियार लेके जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है, चक्रव्यूह में एंट्री करना है। अब चक्रव्यूह में एंट्री करने से पहले क्या करता है, पूरी तैयारी से 3 अपने यंत्र को, यानी कि 3 अपने हथियार को अपने साथ लेके जाता है। तीनों हथियार अलग अलग रूप में इसकी क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। अब 3 कौन कौन से हथियार है इनके पास, तो पहला हथियार इनके पास होता है कि आपका कोरोना, कोरोना रेडिएट होता है इनके पास, ध्यान रखिएगा कोरोना रेडिएट। एक आपका, एक उनके पास क्या होता है, एक होता है जोना, जोनालाइजिन, ठीक है, और एक और इनके पास पाया जाता है, और उनका नाम क्या है आपका, एक और इनके पास इनका फ्रेंड होता है जिसका नाम है हाइलूरोनिडेज, हाइलूरोनिडेज। ये क्या करते हैं, 3 इनके पास हथियार अवेलेबल है, ठीक है, जो कोरोना, जोना और हाइलूरोनिडेज। अब हाइलूरोनिडेज क्या करता है, इन सभी का अलग अलग रोल है कि भाई अलग अलग हथियार है। मान लीजिए कि सामने वाला बंदूक से लड़ रहा है तो बंदूक से लड़ेंगे, तीर से लड़ेगा तो तीर से लड़ेंगे। उसी में सब जो तीनों है अपने आप में एक्सपर्ट है कि भाई हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सभी का अपना अपना एक्सपर्टाइजेशन है, ठीक है। ये क्या कहता है, हाइलूरोनिडेजन कहता है कि भाई जो एसिडिक पार्ट होगा, जो बाहर सबसे हार्ड पार्ट होगा, उस एसिडिक पार्ट को हम क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। भाई यहाँ पे जो आपका अंडाणु का सबसे बाहरी जो एसिड वाला जो टॉप लेयर है, हम उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो कहा कि चलो भाई तुम एक काम कर दो, अब 2 बच गए कोरोना और जोना। कह रहे कोई बात नहीं, हम सेकेंड और थर्ड लेयर को तोड़ने में कामयाब रहेंगे, है ना। तो एक कोरोना और जोना सेकेंड और थर्ड लेयर को तोड़ेगा ये। तो अब क्या होगा कि कंफर्म है कि जब लेयर इनके टूटते जाएंगे तो बेचारा अभिमन्यु तब आगे बढ़ता जाएगा ना, अब इनके बीच में रुकावटें है वो तो खत्म हो गई। अब खत्म होने के बाद क्या होगा कि सिर्फ आपका अंडाणु का केंद्रक बचा इधर, इधर अभिमन्यु भी अपने केंद्रक फॉर्म में बचा हुआ है, ठीक है, और दोनों के दोनों अगुणित अवस्था में है, ठीक है। दोनों के जब अगुणित अवस्था में है तो यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक और अपने ऊपर कवच रखता है, ठीक है, यह लाइजिन यानी कि प्रोटीन लाइजिन का कवर ओढ़े रखता है ये अभिमन्यु। अभिमन्यु का मतलब शुक्राणु, यहाँ पर अभिमन्यु का मतलब महाभारत में मत चले जाइएगा, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे अभिमन्यु का मतलब शुक्राणु, और ये अपने ऊपर प्रोटीन लाइजिन का कवर रखे हुआ है, ठीक है, क्या करने के लिए, कि निषेचन की क्रिया होगी, अगर कोई समस्या होगी तो यह कवच हमें क्या करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा, क्योंकि पहुंचा तो वहां पे अकेले है, गया तो भीड़ में था, 80 से 90 मिलियन, पीछे सेना सारी छूट गई और बेचारे अकेले अंदर प्रवेश कर गया। अब क्या होता है कि इस कंडीशन में यह प्रोटीन इसको मदद करता है,
और प्रोटीन मदद करने के बाद क्या करता है कि इस अंडा जो आपका शुक्राणु है, शुक्राणु के जो आपका हेड होता है अर्थात कि सिर होता है, इन सिर को प्रोटीन मिलने की वजह से यह थोड़ा सा बड़ा होता है और यह प्रोकेंद्रक बना लेता है। क्या बना लेता है? प्रोकेंद्रक। उसी प्रकार से अंडाणु का भी आपका क्या तैयार होता है? प्रोकेंद्रक तैयार होता है। क्या होता है? प्रोकेंद्रक तैयार होता है। अब दोनों का प्रोकेंद्रक तैयार हो गया। अब प्रोकेंद्रक तैयार होने के बाद जब ये दोनों तैयार हो जाते हैं, उसके बाद आपका एक और पार्ट होता है इनके अंदर, इनके अंदर ध्रुवीय पिंड भी होते हैं। मैंने आपको जिस समय बताया था आपको कि आपका इनके जनन तंत्र के बारे में, तो उसमें बताया था इनके अंदर ध्रुवीय पिंड भी होते हैं। तो ये ध्रुवीय पिंड भी होते हैं, तो क्या होता है कि इनके अंदर जो प्रोकेंद्रक है, इन दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? संगलित होते हैं। तो कंफर्म है जब अंडाणु शुक्राणु के साथ जब संगलित होगा तो उस कंडीशन का समय क्या कहलाएगा? वही कंडीशन जब होगा, या जब अंडाणु और अभिमन्यु जब मिलेंगे तो यह जो कंडीशन होगा यही कंडीशन हमारा क्या कहलाएगा? यही कंडीशन हमारा कहलाएगा क्या? निषेचन की क्रिया। क्या कहलाएगा? ये कंडीशन होगा निषेचन। बात समझ रहे हैं? ये लड़ाई करने के लिए पहुंचा और जब लड़ाई, ठीक है, तो निषेचन की क्रिया इसमें होगी और निषेचन के बाद आपका क्या होगा? निषेचन के बाद एक नया कोशिका बनेगा जिसमें क्या होंगे? एक अंडाणु होगा, ठीक है, एक अंडाणु होगा और एक जो पार्ट होगा वो किसका होगा? शुक्राणु का पार्ट होगा, यानी दोनों का केंद्रक होगा। क्लियर है यहां तक? अब हम जो ये नया बनेगा इसको हम दो दो नामों से जान सकते हैं। एक तो अंडाणु निषेचित हो गया शुक्राणु से, तो हम इसे कह सकते हैं निषेचित अंडाणु। क्या कह सकते हैं इसे? निषेचित अंडाणु, तो पहला नाम हो गया इनका। दूसरा नाम हम इसे क्या कह सकते हैं? इस निषेचित अंडाणु का एक और नाम है, इसे हम युग्मनज के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? युग्मनज के नाम से भी जानते हैं। तो दो नाम हो गया हमारा निषेचित अंडाणु का, जहां पे अंडाणु और शुक्राणु मिल गया। अब कंडीशन आती है कि जो यह युग्मनज बनेगा, यह युग्मनज क्या होगा? लड़का होगा या लड़की होगा? यह जो बच्चा इस युग्मनज से बनेगा वह लड़का होगा या लड़की होगा? यह कंप्लीटली डिपेंड किस पे करेगा? यह डिपेंड करेगा मेल पे, ठीक है। इसकी एक क्लास लेंगे, उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या होता है कि एक्स वाई गैमेट होता है और अंडाणु के पास जो आपका गुण सूत्र का होता है, आपका जो पेयर होता है एक्स एक्स होता है। अब इन दोनों के साथ जब इसका एक्स इसके एक्स के साथ मैच करेगा तो एक्स एक्स कंडीशन बनाएगा, तो यहाँ पे जो बच्चा पैदा होने वाला है वो लड़का होने वाला है। जब इसका एक्स इसके वाई के साथ मिलेगा तो एक्स वाई का कंडीशन पैदा होगा, तो एक्स वाई का कंडीशन प्राप्त होगा तो यहाँ पे यह लड़का का रूप लेगा। एक्स एक्स बनेगा तो लड़की, और जब एक्स वाई का कंडीशन बनेगा तो क्या बनेगा? लड़का बनेगा। अर्थात कि निषेचन की क्रिया इस फॉर्म में आपकी पूरी तरह तैयार होती है। क्लियर हो गया अब आप लोग को? आप लोगों ने देखा कि लड़ाई करने के लिए जाने वाले लोग, आपको पीछे से चढ़ाने वाले लोग बहुत होते हैं। कभी भी किसी भी रन किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरे के कॉन्फिडेंस से आप अपने आप को साबित नहीं कर सकते, आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस हो तब भी किसी काम के लिए आगे बढ़िए। ये हमें यह जो क्रिया निषेचन की क्रिया है यह क्लियर करता है, ठीक है। इसमें 80 से 90 मिलियन गए हैं और निषेचन सिर्फ एक का हुआ। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीच बीच में बनते हैं कि आपका निषेचन की क्रिया कहाँ होगी? डिंब वाहिनी के एम्पुला में। क्वेश्चन ये आती है कि पूरे आपका एक मंथ में कितने अंडाणु रिलीज होंगे? तो परिपक्व अवस्था में सिर्फ एक अंडाणु रिलीज होंगे। उसके बाद होता है कि इनके शरीर के अंदर निषेचन के लिए कितने ml वीर्य जाएंगे? तो आपका 3 से 4 ml वीर्य जाएंगे। इनके पास इन 3 से 4 ml में कितना परसेंट शुक्राणु होगा? तो लगभग 6%, ठीक है। और 6% में लगभग शुक्राणु की संख्या कितनी होगी? 80 से 90 मिलियन। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। इनकी आयु यानी कि युग्मक कब बनेंगे, स्पर्म कब बनेगा, एक कब बनेगा, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको खुद से तैयार करना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। हालांकि मैं आपके लिए एक नहीं होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज भी लेकर आएंगे आपके लिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा। मिलते हैं अगले क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।